इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र की वृंदावन कॉलोनी में स्थित एक संस्थान से 3 महीने में 10 बांग्लादेशी युवतियां फरार हो चुकी है। खास बात यह है कि युवतियां दो दो महीने के अंतराल से एक गुट बनाकर फरार हुई हैं। वहीं शेल्टर होम प्रबंधन ने इस मामले में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई है, लेकिन इस मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये वही युवतियां हैं जो गैर कानूनी तरीके से लाकर बंधक बनाकर रखी गई थी और उनसे ड्रग पैडलर के रूप में काम कराया जाता था। कुछ मैं गया था वहाँ पे थाने पे तो और कई लड़कियाँ चली गई थी 3, तो उनको हमने पूरी जानकारी वगैरह दी है और करीब करीब शाम को 7:30-8 बजे के लगभग वो निकली थी यहाँ से। अभी तक 3 और 3, 6 और 3, 9 गई थी। 9 गई जी जी, ये 3 महीने के अंदर अंदर अलग अलग। हाँ, 4, 3 और 3.5 महीने के अंदर 2 तारीख को गई शायद। हाँ, क्या बोल के मैं कुछ आने दे कुछ बोल के कि नहीं, बस यहाँ बैठी थी। हाँ। और मेरे पास आई थी, बोले मेरे को अंडे ला देना, तो मैंने कहा आप पैसे ला दो, मैं अंडे ला दूंगा। हाँ। और उसके बाद में फिर वो मसाला लेने गए थे यहाँ से, मसाला खत्म हो जाता है तो किचन में लेने जाना पड़ता है वो मसाला लेके, और वो लोग यहाँ से कुछ बर्तन वर्तन लाए, उधर देख लिया होगा कोई दिखा नहीं, तो इस कारण से गेट से खोल के निकल गई। ये महिला उत्कर्ष संस्थान है वृंदावन कॉलोनी में और उनके केयरटेकर द्वारा थाने पे सूचना दी गई है और यहाँ पे कुछ बांग्लादेशी महिलाएं रखी गई थी और वो अलग अलग बैचेस में दो दो तीन तीन करके गई हैं। इनकी गुमशुदगी थाना बाणगंगा पे दर्ज है और उनकी तलाश कर रहे हैं। उस मामले में किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं की गई थी, वो उसमें पीड़ित थी और उस पूरे मामले में किसी तरह के वैधानिक निरोध में नहीं थी या पुलिस अभिरक्षा में नहीं थी। उन्हें वहाँ पे एक संरक्षित गृह में रखा गया था जहाँ से उनके जाने की सूचना है। पुलिस उनको ढूंढेगी, पुलिस की जरूरत उनके बयान में पड़ेगी आने वाले दिनों में, जो ट्रायल चलेगा उसमें पुलिस को उस समय तक बयान में उनकी जरूरत पड़ेगी। पुलिस उन्हें उनके दिए गए जो जानकारियाँ हैं उसके आधार पर उन्हें कोशिश करेगी कि उन्हें निश्चित तिथि के पहले वापस ला करके सही समय पर उनके बयान कराया जा सके।